हादसा हुई है, कितने लोगों के मरने की आशंका है इसमें? अभी तक तो जानकारी मिली है, एक छोटी नाव थी जो कि गंगा नदी में यहाँ पर बीच धारा में इसके डूबने की सूचना है, और इसके कारण अभी तक दो मिसिंग बताए जा रहे थे, फिर एक और अभी आए हैं, तो कुल मिलाकर के तीन मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी खोज अभी एसडीआरएफ की टीम और यहाँ जितने स्थानीय नदी थाना है इत्यादि उसकी खोजबीन कर रहे हैं। नाव पे कितने लोग सवार थे, क्या जानकारी मिली पूरी घटना? अभी तक जो जानकारी मिल रही है 8 लोग और प्लस एक नाविक, कुल मिलाकर के 9 लोग सवार थे। कहाँ के रहने वाले? इसमें अभी तक जो बात सामने आई है उसमें कुछ लोग 6 लोग एक ही परिवार से निमचक बथानी क्षेत्र गया जिले के थे, और कुछ स्थानीय 2 लोग स्थानीय में संपतजग के थे और एक नाविक थे। इससे पहले भी यहाँ पर एक घटना हुई थी आज से 3 महीना पहले लगभग, जिसमें 8 लोग मरे थे, 8 बच्चे। तो क्या प्रशासन को ये जानकारी थी कि आज जो पूर्णिमा का स्नान है इसमें लोग पहुँच सकते हैं, उसको लेकर क्या कदम उठाया गया? यहाँ पर हम लोग ने पटना जिले में जहाँ भी जानकारी मिली थी वहाँ पर इसकी हम लोगों ने अपने स्तर से SDRF और अन्य प्रतिनियुक्तियाँ की थी, खास करके बाढ़ के इलाके में उमात घाट बताया जाता है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहाँ पर सभी जगह पर प्रतिनियुक्तियाँ की गई थी, और जहाँ भी सभी क्षेत्र के जो पदाधिकारी थे उनको निगरानी का निर्देश दिया। सर यहाँ पर जानकारी नहीं थी? ये सब सारी अभी तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ इन सब की भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर किया जाना था, क्या उस तरह की क्या व्यवस्था, इन सभी चीज़ें हम लोग करेंगे। पिछले DM साहब ने बोला था कि जो भी जब नाव हादसा हुआ कि जो भी नाव चलाए जाएंगे वो रजिस्ट्रेशन होगा उनका वही चलाए जाएंगे बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं, उसके बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चले और ऐसे हादसे हुए? एक पुलिस ये अभी मैं कुछ भी कंक्लूड करके नहीं बता रहा हूँ, सभी बिंदुओं में जैसे मैंने कहा कि अभी घटना थोड़ी देर पहले हुई है, कुछ घंटों पहले ही हुई है, तो इन सभी बिंदुओं पर देखा जाएगा कि क्या इसमें ऐसी चीज़ थी जिसके कारण ऐसी घटना हुई है, सभी बिंदुओं पर देखा जाएगा।